आखिरकार पबजी के साथ साथ अब फ्री फायर भी इंडिया में बैन हो गया है। बताया जा रहा है यह ऐप चीन का नहीं था, लेकिन तब पर भी इंडिया में बैन हो गया है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ कि फ्री फायर भी इंडिया में क्यों बैन हो गया। साथ में यहाँ पर बताया भी जा रहा है टिकटॉक के बाद पबजी अब भारत में प्रॉपर मोबाइल गेम जरीना फ्री फायर भी बैन हो गया है। भारत सरकार ने एक बार फिर से 53 चीनी ऐप्स बैन किए हैं। जरीना फ्री फायर ऐप्स भारत में काफ़ी पॉपुलर गेम है और ये भी अब गूगल प्ले स्टोर में नहीं दिख रहा है। हालांकि जरीना का ये गेम फ्री फायर मैक्स, जिसे हाल ही में पेश किया गया था, ये गेम अब भी उपलब्ध है। हालांकि जरीना फ्री फायर गेम अभी चलना बंद नहीं हुआ है, ऐप प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है, लेकिन ये ऐप काम कर रहा है। कुछ लोगों ने ट्विटर पर यह देखा कि वो गेम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अब ट्विटर पे बताया जा रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा है गेम। लेकिन दिलचस्प की बात यह है कि जरीना इंटरनेशनल की तरफ से एक बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और ऐप्स प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से जरीना फ्री फायर को हटा दिया गया है। सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट्स का हवाला देकर ऐप्स को बैन किया है। इस लिस्ट में टोटल 54 ऐप्स हैं। फ्री फायर के अलावा दूसरे ऐप्स इस स्केल के हैं। और गाइस यहां पर आपको बहुत कुछ जानकारी भी दी गई है। पबजी मोबाइल बैन होने के बाद फ्री फायर मोबाइल में और तेज़ी से पॉपुलर हो गया था और ज़्यादातर जो यूजर थे, ज़्यादातर जो मतलब खेल खेलना चाहते थे, वो फ्री फायर को ही ज़्यादा खेलते थे। साथ में फ्री फायर गेम डेवलपर सिंगापुर की एक कंपनी है। ये गेम भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में से है। ये एक बैटल रॉयल गेम है जहां एक साथ 50 प्लेयर खेल सकते हैं। भारत में ये गेम इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे खेलने के लिए गेमिंग स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। इसे आम बजट या सस्ते स्मार्टफोन से भी आराम से खेला जा सकता है। जरीना फ्री फायर गेम बैन को पबजी से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। दरअसल महीने पहले पबजी क्रिएटर क्रिप्टोन INC ने फ्री फायर पर मुकदमा किया था। क्रिप्टोन का दावा है कि फ्री फायर में पबजी से चीज़ें कॉपी की गई है, मतलब कि ये बताया जा रहा है कि फ्री फायर में भी पबजी के कुछ मटेरियल देखे गए थे, जिसे माना जा रहा था कि ये मटेरियल पबजी से कॉपी किए गए हैं। क्रिप्टोन ने फ्री फायर के अलावा गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से हटाने की वजह मुकदमा कर दिया गया है, इसलिए हटाया गया। इसलिए अभी ये भी कहा जा रहा है कि पबजी की तरह ये भी मुकदमे की वजह से बैन किया गया है। तो गाइस यही तक आपको बताना है और आप लोग समझ भी गए होंगे क्यों हटाया गया है फ्री फायर गेम को और पबजी क्यों हटाया गया, और साथ में बहुत सारे नॉलेज आपको देखने को मिल गई है। और ये भी बताया गया है कि फ्री फायर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अभी तक तो प्ले स्टोर से हटाया गया है और काफ़ी लोगों के पास बैन नहीं हुआ है और चल भी रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। जो नए यूजर बनना चाह रहे हैं उनके पास लॉगिन नहीं हो रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।